नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी रुझान में भाजपा सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों को घर बिठा दिया था। फिलहाल पार्टियों के फीडबैक के अनुसार कई मंत्रियों को बेहद कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा है। बता दें कि सत्ता विरोधी रुझान को काम करने के लिए ही भाजपा ने मध्य प्रदेश में कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी रुझान एंटी इनकम्बेंसी को भारतीय जनता पार्टी ने कम करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री इसकी चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल पार्टियों के फीडबैक के अनुसार कई मंत्रियों को बेहद कड़े संघर्ष का सामना भी करना पड़ा है। इसी तरह महाकौशल से मंत्री गौरी शंकर बिजसेन और कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारी के बीच चुनाव दिलचस्प रहा है। इस पहला चुनाव इसमें नहीं माना गया है जब मंत्रियों को सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भी शिवराज कैबिनेट के 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। वर्ष 2018 की अगर बात करें तो वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी रुझान ने भाजपा सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों को घर पर बिठा दिया था और शिवराज सरकार में नंबर दो पर रहे मंत्री जयंत मलैया से लेकर दीपक जोशी तक चुनाव हार गए थे। यही स्थिति वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में बन रही है। सिंधिया खेमे के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश राजखेड़ा, बृजेंद्र सिंह यादव को चुनाव के मैदान के दौरान जगह जगह पर जन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव, बालाघाट में गौरी शंकर बिसेन, रामकिशोर कावरे, कमल पटेल, राम खेलावन पटेल, अरविंद सिंह भदौरिया, उषा ठाकुर, प्रेम सिंह पटेल, इंद्र सिंह परमार जैसे नेताओं को भी सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ा है। वहीं दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के प्रहलाद भारती के बीच भी रोचक मुकाबला हुआ है। विधानसभा चुनाव की टिकट बांटने के दौरान यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ा और ओपीएस भदौरिया का टिकट काट दिया गया था। अर्चना चिटनिस, उमा शंकर गुप्ता, ललिता यादव, संजय मलैया एवं जयंत मलैया, शरद जैन, अंतर सिंह आर्य, जयभान सिंह पवैया एवं लाल सिंह आर्य, रुस्तम सिंह, दीपक जोशी, नारायण सिंह कुशवा और ओम प्रकाश धुर्वे, बालकृष्ण पाटीदार जैसे मंत्री 2018 में चुनाव हार गए थे और यही वजह थी कि भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। सत्ता विरोधी रुझान को कम करने के लिए ही भाजपा ने मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा था। अगस्त और सितंबर के महीने में भाजपा ने 79 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और इसकी वजह यही थी कि सत्ता विरोधी रुझान को कम किया जा सके। लेकिन पार्टी ने अंतिम सूची में जब सारे मंत्री और विधायक को टिकट दे दिया गया तो सत्ता विरोधी रुझान का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया था।